एक्सप्रेस न्यूज सच का साथी। एबीपीएस न्यूज की टीम जिला अमरोहा के फोंदापुर गांव पहुंची, जहां पर विकास के नाम पर सिर्फ कच्चे रास्ते ही दिखाई दिए। इसके साथ साथ ग्रामवासियों ने भी अपनी पीड़ा कैमरे के सामने बयान की। उनका कहना था कि प्रधान जी ब्लॉक के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन पैसा ना आने की वजह से यहां पर विकास का कोई काम नहीं हो पाता। तो वहीं सरकार से इन लोगों की मांग है कि जल्दी ही ग्राम पंचायत की निधि में पैसे की व्यवस्था हो, ताकि गांव में रास्ते बन सकें, पीने का पानी मिल सके, साथ साथ जो भी गांव की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से ग्राम प्रधान काम करा सके। ग्राम प्रधान ने बताया कि जितना भी पैसा आया था उस हिसाब से वो काम करा चुके। हमारी ग्राम पंचायत में इतना अधिक पैसा भी नहीं आ रहा है, जो हम 20 साल से उबड़ खाबड़ रास्ते कच्चे पड़े हैं या खरंजे बने पड़े हैं, उन्हें उखड़वा कर ठीक करा दें। और हम विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए भी इधर उधर भागने गांव वालों को परेशान रहना पड़ता है। हमें सबसे ज़्यादा रास्तों की ज़्यादा समस्या है और पानी निकासी की समस्या है। ग्राम पंचायत फोंदापुर रास्ते हमारे उबड़ खाबड़ हैं, इतना अधिक पैसा नहीं आता, जो उन्हें रास्तों को ठीक करा दें। गांव की समस्या सोल्व नहीं कर सकते हम, ना ही हमारा बसपा की प्रधान है, कार्य हमारे प्रधान जैसे हो नहीं पा रहे हैं। हमें इतना अधिकार नहीं मिला हुआ कि जो हम अपने उससे कुछ करा सकें।